Hello friends, I'm Lavika. Welcome to Lavika Classes. Today I'm going to discuss most important topic, that is divisibility test. Divisibility test जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये आपका फिफ्थ क्लास से स्टार्ट होकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब आपकी जॉब लगने तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जान भी हाँ है मैथ्स की, क्योंकि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो आप क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो कंज्यूम होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट इट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट रूल, डिविजिबिलिटी बाय 2। सो सबसे पहला हमारा जो है वो डिविजिबिलिटी बाय 2 से होता है बिकॉज 1 से हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, लेकिन 1 जो एक नंबर ऐसा है जो सबके साथ डिविजिबल होता है, दैट्स व्हाई हम अपना डिविजिबिलिटी रूल है वो 2 से स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। When the last digit of a number is either 0 or even, अगर आपके किसी भी given number में unit digit मतलब last digit जो होगा वो या तो 0 हो या कोई भी even number हो, then the number is divisible by 2, तो वो number आपका divisible होगा 2 से। अगर आपको even number, odd number नहीं पता, prime number नहीं पता, तो मेरी एक video है number system की, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, even number क्या होता है, odd number क्या होता है, rational, irrational, everything मैंने वहाँ पे explain किया, link में given दे दूँगी आपको description box में, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए start करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, सपोज करो आपके पास एक नंबर दिया हुआ है बहुत बड़ा और आपको सिर्फ ये बताना है इस नंबर का कि ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ ये लास्ट का डिजिट चेक करेंगे, मतलब आप सिर्फ ये यूनिट डिजिट चेक करेंगे। अगर आपके यूनिट डिजिट पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये नंबर है, तो वो जो नंबर होगा दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो दैट मींस अब इतना बड़ा नंबर है, आप इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। अगर आपको ये पता है कि ये रूल पता है, अगर आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल पता है तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हैं यस इट इज डिविजिबल बाय 2, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और नंबर ले लूं, एक और हमने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 8 9 0 5 3 2 1। अब ये नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, इस नंबर को मुझे बताना है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मैं क्या चेक करूंगी, मैं यूनिट डिजिट चेक करूंगी। अब यहाँ पे तो 1 है, अब ये जो नंबर 1 है ये तो ऑड है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि या तो यूनिट डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर ये नंबर मिलते हैं तो वो नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो अब इसके पीछे 1 है तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, तो लिखेंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश, राइट। अब इसी नंबर को अगर हमें डिविजिबल बनाना है, यहाँ पे अगर मैंने 2 लिख दिया, अब लास्ट में क्या है 2 है, 2 इज इवन नंबर, तो ये क्या है डिविजिबल है 2 के साथ, तो हम लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2, तो अब ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। नाउ सेकंड है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर आपने 3 से चेक करनी है डिविजिबिलिटी तो आप कैसे चेक करेंगे, व्हेन द सम ऑफ द डिजिट, when the sum of the digit is divisible by 3, अगर जो भी आपको नंबर गिवन है उसको आप प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद वो 3 के टेबल पे जाता है या फिर 3 से डिविजिबल होता है, तो आप बोलेंगे कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। चेक कर लेते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखा हुआ 1 2 3 3, एक नंबर है 1 2 3 3, अब इस नंबर को मुझे चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मुझे इसका सम करना पड़ेगा। सम क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, राइट। 1 प्लस 2 इज 3 3 प्लस 3 इज 6 6 प्लस 3 इज 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो 9 नंबर है वो हमारे 3 के टेबल पर आता है, दैट मीन्स वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब अगर 9 3 से डिविजिबल है
तो हम लिखेंगे सो 1, 2, 3, 3 इज डिविजिबल बाय 3. आपको कितना मर्जी बड़ा नंबर मिल जाए, आपने सिंपली प्लस करना है, प्लस कर चेक करना है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता. अगर वो 3 से डिविजिबल है दैट मींस वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये 156 है, 1 + 5 + 6. अब इन तीनों नंबरों को ऐड करते हैं, 1 + 5 = 6, 6 + 6 = 12. तो ये जो नंबर है ये क्या हुआ, 3 के टेबल पे आता है. तो दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 3, राइट. आप इसको दोबारा भी प्लस कर सकते हैं वैसे, तब भी ये 3 बन जाएगा, है ना. अगर ये 3 बन जाएगा तो भी ये 3 के टेबल में आता है, राइट स्टूडेंट्स. चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4, अगर हमें 4 से चेक करना है नंबर कोई भी डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे. व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर, पर्टिकुलरली जो नंबर आपको गिवन है वो 4 से डिविजिबल होगा. या फिर आप चेक कर लीजिए 2 या 2 से ज्यादा जीरोस है एंड में. अगर 2 और 2 से ज्यादा जीरो है, 2 or more जीरोस है एट द एंड, तो भी वो नंबर डिविजिबल होगा आपका 4 से. तो चेक कर लेते हैं, जैसे ये 28 है, यहाँ पे ये नंबर है फॉर एग्जांपल 6, 4, 2, 8. अब यहाँ पे जो ये 28 है, ये 28 जो है मीन्स 28, इट इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 7 4s are 28 होता है, यानी 4 7s are 28 होता है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज 28 इज डिविजिबल बाय 4. 28 आपका डिविजिबल है 4 से, सो पूरा नंबर 6, 4, 2, 8 इज डिविजिबल बाय 4. तो ये पूरा ही नंबर आपका डिविजिबल होगा 4 से. या फिर एंड में 2 जीरो है तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल होगा 4 से. या फिर 2 से ज्यादा जीरोज हो तो भी वो नंबर आपका डिविजिबल होगा 4 से. ये उसके एग्जाम्पल्स हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी लग रही होगी वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी. तो मैं आपके साथ नेक्स्ट रूल डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 5. अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5. बहुत सिंपल रूल है, अगर आपके यूनिट डिजिट पे 0 है और 5 है, दैट मीन्स वो नंबर डिविजिबल है आपका 5 से. नंबर हैविंग 0 और 5, अगर किसी भी नंबर के पास 0 है और 5 है एट द एंड, एंड में 0 है या 5 है, तो वो नंबर डिविजिबल है आपका 5 से. फॉर एग्जाम्पल 45, 4, 3, 5, 0, 1, 4, 8, 5, 0. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 है यूनिट डिजिट पे, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है. बहुत बड़ा नंबर भी हम ले सकते हैं, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा हमारा 5 से, बिकॉज यूनिट डिजिट पे क्या है 5. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 के. चलिए स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6. डिविजिबिलिटी बाय 6, अगर आपको चेक करना है कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उस नंबर को 2 और 3 दोनों के टेबल में चेक करेंगे. अगर वो 2 के टेबल पे भी आता है, 3 के टेबल पे भी आता है, तो वो जो नंबर होगा वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा. व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 और 2, मींस वो जो नंबर है वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी एंड 2 से भी, देन दैट पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. तो वो जो नंबर होगा वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा. जैसे कि 2 से मैंने आपको बताया है कि इवन चेक कर लो यूनिट डिजिट पे, और 3 का मैंने आपको बताया है कि सम कर लो, अगर सम उसका 3 से डिविजिबल है तो वो 6 डिविजिबल होगा 3 से भी. अगर दोनों से डिविजिबल है 2 और 3 से, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. बहुत ईजी है. नाउ फॉर एग्जाम्पल 18, 36 और 72, ये एग्जाम्पल लिया मैंने. कैसे स्टूडेंट्स, 18 को हम चेक कर लेते हैं. 18 के यूनिट डिजिट पर 8 है, 18 के यूनिट डिजिट पर 8 है, और 8 जो है वो इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, 8 इज इवन, सो 18 इज डिविजिबल बाय 2. नाउ अब इनका सम कर लेंगे, 1 + 8 = 9, सम किया कितना आ गया 9. अब 9 जो है 9 इज डिविजिबल बाय
3. 9 divisible है 3 से, that means 18 जो है वो divisible होगा 3 से. इसका मतलब क्या हुआ? So 18 is also divisible by 3. अब ये उससे divisible है 3 से भी, तो इसका मतलब ये 2 से भी divisible है, 3 से भी divisible है. That means 18 is divisible by 6. Now अब हम चेक कर लेते 36. देखिए 6 जो है वो इवन नंबर है और वो 2 के टेबल में भी आता है, राइट? तो ये 36 डिविजिबल हो गया 2 के साथ. अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस 6 इज 9, 9 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो दैट मींस 36 इज डिविजिबल बाय 6. दिस 72, 2 इवन नंबर है और 2 के टेबल में भी आता है, तो दैट मींस 2 इज डिविजिबल बाय 2. सो अब इनको ऐड कर लेते हैं, 7 प्लस 2 इज 9, 9 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. अब 72 जो है वो दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी और 3 से भी, तो 72 जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा. अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ, 7 का रूल. आपको कोई नहीं बताएगा 7 का रूल, मैक्सिमम टीचर स्किप कर देते हैं 7 का रूल, कहते हैं डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है. मेरे साथ देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7. एक नंबर 7 से तब डिविजिबल होगा व्हेन द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट. आपने क्या कर लेना है, डिफरेंस निकालना है ट्वाइस द डिजिट एट द वंस प्लेस. जो वंस प्लेस पे नंबर है पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसका ट्वाइस कर दो, और जो नंबर बचा उसमें से माइनस कर दो. जो नंबर आएगा वो हमारा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा. अगर वो नंबर हमारा 0 आ जाए या 7 आ जाए, 7 का मल्टीपल आ जाए, वो नंबर अगर हमारा 7 या 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल आ जाए, तो वो नंबर डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 658, 658 मैंने नंबर ले लिया. मैंने बोला वंस डिजिट को आपने क्या करना है, ट्वाइस करना है, मतलब 16 आ गया, 2 into 8 is 16. अब ये जो नंबर बचा है ना 65, इसमें से ये जो नंबर ऑब्टेन हुआ है इसको माइनस करना है, राइट? अब ये 15 बन गया, 15 में से 6 गया, कितना आ गया 9, यहाँ पे बचा 6, 6 का 6 था, 1 कैरी लिया तो y बचा, 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4. means अब ये नंबर क्या बन गया, 49. 49 क्या है, 7 का मल्टीपल है. 49 इज मल्टीपल ऑफ 7. 49 इज मल्टीपल ऑफ 7. अब ये मल्टीपल है 7 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर फोर 658 इज डिविजिबल बाय 7. आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा ये रूल. आपको किसी ने नहीं बताया होगा, मेरी वीडियो में देखिए आपको 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल मिल रहा है. तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. नाउ स्टूडेंट्स, डिविजिबिलिटी बाय 8. डिविजिबिलिटी बाय 8 कैसे चेक करते हैं, व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8. अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 8 से. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर लास्ट के 3 और मोर डिजिट जो है वो 0 है, अगर लास्ट के 3 या 3 से ज्यादा लास्ट में 0 है, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 8 के साथ. फॉर एग्जाम्पल 2256 मैंने नंबर लिया है, आप सिर्फ इस नंबर को चेक कीजिए, अगर आपका ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स पूरा नंबर डिविजिबल होगा. यहां मैं आपको करके दिखा रही हूँ 256 का. 256 8, 8 3 जा 24, माइनस किया 1, ऊपर से उतारा 6, 8 2 जा 16, तो हमारे पास कितना आ गया 32. मींस 32 जो है वो 8 के टेबल में आता है, दैट मींस 8 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा. तो लिखेंगे एज 256 इज डिविजिबल बाय 8, सो 2256 इज डिविजिबल बाय 8. तो ये पूरा गिवन नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 8 से. अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये नंबर है. अब इसके लास्ट डिजिट्स पे देखिए 4 जीरोस हैं. अगर आपको कभी भी 3 या 3 से ज्यादा जीरोस मिलती हैं, तो वो पर्टिकुलर नंबर भी डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय
8 होगा, तो ये नंबर भी हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 8. राइट स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9. 9 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे? व्हेन द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबिलिटी बाय 9. अगर आप जो गिवन नंबर दिया हुआ है उसको आप सम करेंगे, अगर आपको उसका जो सम है वो 9 के टेबल में आता होगा, दैट मीन्स 9 से डिविजिबल होगा, तो पर्टिकुलर नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल 936819 ये नंबर है. अब हम इसका सम कर लेते हैं, 9 plus 9 plus 3 plus 6 plus 8 plus 1 plus 9. 9 plus 8 is 18, 18 plus 6 is 24. 24 plus 3 is 27. 27 plus 9 is 36. और स्टूडेंट्स आप इसको दोबारा भी, वैसे तो यहाँ पे देखिए 36 जो है वो डिविजिबल है 9 के टेबल में, लेकिन अगर आपका 2 डिजिट नंबर बनता है या 3 डिजिट नंबर बन रहा है उसको आप अगेन करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, 9. आप इसको एक और ट्रिक से भी कर सकते हैं कि अगर जो भी गिवन नंबर है एंड में अगर वो 9 बन जाता है तो वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 9 से. सम भी अगर उसका 9 से डिविजिबल है तब भी, या फिर जो गिवन नंबर है वो एंड में 9 ही बनता है हमेशा. आप देख लेना, आप कोई भी टेबल उठा लो, 9 का कोई भी नंबर उठा लो टेबल में से. सपोज मैं ले लेती हूँ 18, 1 प्लस 8 9, 27, 2 प्लस 7 9, अगेन 36 9 बन रहा है, 45 9 बन रहा है, देन आप ले लो इसका टेबल पे 54 ये भी 9 बन रहा है, 63 ये भी 9 बन रहा है. मींस जो पूरा टेबल है कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो उसका सम एंड में 9 ही आता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा. ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं हम. चलिए देखते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ 10th और 11th का. 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, तो आज समझ लो लाइफ टाइम आपको कभी नहीं भूलेगा. डिविजिबिलिटी बाय 10, अगर आपने चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 10 तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने ये देखना है एंड में जीरो है. अगर एंड में जीरो है तो आंख बंद कर लिख दो कि ये नंबर डिविजिबल है 10 से. ठीक है जी, अब ये मत सोचना मैम कह रहे थे आंख बंद करके लिख लो, सच में आंख बंद करके लिखने लग जाना, वो मैं जस्ट वैसे ही बोल रही हूँ. इसका मतलब ये है कि अगर लास्ट में जीरो दिख जाए तो वो नंबर डिविजिबल होता ही होता है 10 से. ठीक है जी, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल. 1 2 3 4 5 7 00 लास्ट में जीरो दिखा मीन्स ये नंबर डिविजिबल है जीरो से. लिख दो जी इसको, ये 10 से डिविजिबल है. यहाँ पे जीरो है, ये नंबर भी 10 से डिविजिबल है. 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 10,000, 100,000 जितने भी आपके 1000, 100 million, 1 trillion होते हैं वो सब 10 से डिविजिबल होते हैं. ठीक है जी, डिविजिबिलिटी बाय 11. 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? When the sum of digits at odd and even places, अगर आपका odd places का और even places का जो sum है या तो वो equal हो या फिर उनका जो difference है वो 11 से divisible हो तो particular number 11 से divisible होगा. For example 2865423 ये एक number है, इसमें हम check करते हैं. सबसे पहले इसकी odd places लिख लेंगे, इसकी odd places यहाँ पे नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर लिख लिए. अब जैसे ये 2 है, 3 है, 5 है, जो इन नंबर पे आ रहा है 1 3 5 7, इन नंबर पे आ रहा है, ये odd places हैं, इनका सम करेंगे. सम ऑफ odd places, odd places का सम मतलब 2 6 4 3, इनका सम करेंगे. इनका सम आ गया 6 plus 2 is 8, 8 plus 4 is 12, 12 plus 3 is 15, ये आ गया. नाउ अब हम सम करेंगे इवन प्लेसेस का, सम ऑफ इवन प्लेसेस. इवन प्लेसेस का सम मींस 8 5 2. अब इन सब इनको ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आ गया 15. मैंने बोला था अगर या तो इनका सम इक्वल आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए. इक्वल आ गया, अब हम इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं इनका डिफरेंस कितना आएगा. 15 माइनस 15 इज 0 और 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर. सो ये जो पूरा नंबर है 2865423 इज डिविजिबल बाय 11, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ये है, यहाँ पे हम करेंगे
sum of odd places. 1, 2, 3, 4, 5, 6 means यहाँ पे आएगा 2 + 7 + 8 ये आ गया 70. Sum of even places. Even place पे आ रहा आपका 1 + 3 + 2 4 + 2 = 6 राइट. अब हम इन दोनों को क्या निकालेंगे, डिफरेंस. इनका डिफरेंस यहां पे कर रही हूं स्टूडेंट्स में, डिफरेंस इनका 17 - 6 दैट इज 11. अब देखिए स्टूडेंट्स जो ये 11 है, 11 इज डिविजिबल बाय 11. दैट मीन्स 11 अगर 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर जो है वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा. तो हम लिख लेंगे ये जो आपका नंबर है, ये वाला नंबर आपका 217382 ये आपका नंबर डिविजिबल है 11 के साथ. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपका 12, 13, 14, 15 और भी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगी. तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में. मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आपके लाइक से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलता है. तो प्लीज मेरे वीडियोस को जरूर लाइक करना ताकि मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियोस लेकर आ सकूं.